नगरी वृंदावन में आपराधिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां चार दिन पूर्व एक युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने मंगलवार रात्रि को सुलझाई थी, वहीं उसके दूसरे दिन यानी बुधवार रात्रि को एक वृद्ध की उसके घर में ही हत्या कर दी गई। घटना के बाद से नौकर दंपत्ति एवं घर से स्कूटी समेत सामान गायब है, जिससे नौकर द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। एक राधेश्याम अग्रवाल हैं, जिनकी उम्र करीब 77 साल की होगी। ये पिछले 25 साल से यहाँ रह रहे हैं और ये मूल निवासी दिल्ली के हैं। आज रात इनकी किसी ने हत्या कर दी है। इन्होंने सेवक रखा है, सेवक अपनी बीवी के साथ रहता था, वो मिसिंग है। घर से कुछ सामान भी गायब हुआ है, स्कूटी भी इनकी गायब है और संभावना ये लग रही है कि ये जो सेवक इन्होंने रखा था मियाँ बीवी, उन्हीं द्वारा ये अपराध कारित किया गया है। CCTV फुटेज हमारी टीम देख रही है, उससे भी कुछ क्लू मिला है जिस पर पुलिस आगे काम कर रही है। जो सेवक लगा के रखा था इन्होंने, कब से इनके यहाँ? एक महीना बताया जा रहा है, करीब एक महीने से यहाँ रह रहा है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। फरार नौकर दंपत्ति की तलाश पुराने नौकरों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। मृतक के पुत्र अरुण कुमार ने बताया कि उनके पिता घर में कामकाज के लिए नौकर तथा पूजा पाठ के लिए पंडित रखते थे। हमारे पिताजी 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं और हम लोग सामने राधे धाम अपार्टमेंट में रहते हैं। मैं और मेरा छोटा भाई अलग राधे धाम अपार्टमेंट में रहते हैं। हम लोग हमारे पिताजी के पास आते रहते थे, इनके नौकर चाकर और पंडित ये रखते थे, उन्हीं के द्वारा हुआ लगता है। नौकर और नौकर की पत्नी के द्वारा। नौकर का नाम है सोनू, पत्नी का पता नहीं। वो एक महीने पहले ही ये नौकर आया था, महीने सवा महीने पहले, बाद में 10-15 दिन बाद इसकी पत्नी। बाबूजी हमारे पिताजी चेंज करते रहते थे, कभी कोई कभी कोई, तो ज़्यादातर हम लोगों को आइडिया नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश सतना टाइप के बताते हैं। कैसे हत्या की है उन लोगों ने, क्या सर पर कुछ मारा है क्या? मैं अभी तक अंदर नहीं जा सका हूँ। कोई सामान वगैरह भी देखें? सामान CCTV में सारी चीज़ आई हुई है, CCTV में से पता चल रहा है कि वो आदमी अंदर घुस रहा था रात को 1:30 बजे, सामान वगैरह बाहर निकाल रहा था, जो मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी पता। सुबह मैं और मेरा बेटा, हम पहले दुकान पे गए, बेटा साइकिल से सुबह सुबह वर्जिश करता है, तो वो इधर खैर खबर लेने के लिए आया था, अभी बाबूजी से मिलता चलूँ रूटीन में। तो जब वो आया, उसने अंदर आके देखा, तुरंत इसने मेरे को फ़ोन किया, तो फिर मैं पहुँचा। उन्होंने करीब एक माह पूर्व ही सोनू को काम के लिए रखा था और कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी गंगा भी आ गई थी। घटना के बाद से दोनों पति पत्नी गायब हैं।